प्यारे बच्चों, आशा है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना काम कर रहे होंगे और घर पे होंगे। आज इस लेक्चर में मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 2.6, कक्षा 7 की ये एक्सरसाइज, और हम इसको अभी शुरू करने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों के पास किताबें ना हो, तो इस करके मैं आपको इसके जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ मोबाइल से, ताकि आप इसको नोट कर सकें, क्योंकि नोट करने के बाद फिर ही हम उनको आगे कर सकेंगे। इसमें कुल 7 प्रश्न हैं और इन 7 में से ये 4 पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 4 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इनको आप पहले नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज 2.6, 4 प्रश्न, 1, 2, 3, 4 ये प्रश्न आपके। और इसके बाद अगले मैं 3 और दिखा देता हूं आपको, सॉरी केवल 5 ही हैं। अगला एक प्रश्न और है, सिर्फ 5 प्रश्न है 2.6 में, 7 में। 5वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब हम करते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है सभी, जैसे हम पहले कर चुके हैं ठीक वैसे ही हैं, कोई अलग से नहीं है। पहला प्रश्न मैं ले लेता हूं कि इसमें से मैं 2 भाग लेता हूं। पहले प्रश्न का मान लीजिए हम ले लेते हैं 5वां भाग और एक ले लेते हैं 6ठा भाग, चलो ये 2 ले लेते हैं। 5वां भाग 0.05 गुना में 7, आपने इनको गुना करना है, सरल करना है, सारे ही सवाल सरल करने के हैं, तो ये बिल्कुल आसान है। आप क्या करें, इसका दशमलव हटा दो, 0.05 का दशमलव अगर हम हटाते हैं, दशमलव के बाद कितने अक्षर थे, 2, दो संख्याएं थी ना, तो 2 जीरो लगाओ और 1, यानी 100 आ जाएगा। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हो उतनी ही 0 और दशमलव के नाम का 1, तो दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी इसलिए 2 जीरो लगी और 1, यानी बटा 100 और गुणा में 7। आप सीधा इसको लिख सकते हैं 5/100 गुणा में 7, ये आप इसको लिख सकते हैं। तो 7/35/100 और वापिस दशमलव में बदलो, अब इसको गुणा करने के बाद, गुणा करने बाद दशमलव बदलना बिल्कुल आसान है। कितनी 0 है, 2, आप पहले यहां 35 लिख लो, कितनी 0 है, 2, तो 2 पीछे से 2 गिन के और दशमलव लगा दीजिए, 1, 2, इधर से गिनना शुरू करना है, 1, 2 दशमलव और आगे 0, ये आ गया हमारा। अगले सवाल से हम ये स्टेप नहीं करेंगे, सीधा ही 5/100 कर देंगे ऐसे, मतलब आप समझ गए ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि ये दशमलव हटा दो, नीचे 100 लगा दो। अगला सवाल और इसी का 6ठा भाग, 6ठा भाग में क्या है, 211.02 गुणा में 4। तो आप देखो वही 211.02, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितनी डिजिट हैं, 2, 2 संख्याएं हैं, यानी कि 100 लगेगा नीचे गुणा में 4। आप 4 के ऊपर गुणा कर दो, 4 × 2 = 8, 0, 4, 4, 8 और बटे 100, यानी 2 के बाद 2 गिन के दशमलव लगा दो, क्या हो जाएगा, 8, 4, 4, 0, 8, 2 गिने 1 और 2, यह दशमलव लग गया। मतलब आपने
सीधा पहले दशमलव हटाना है, गुना करनी है, फिर दशमलव लगा देना है। सभी में ऐसे करना है। बिना दशमलव हटाए भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप एक ही तरीका अपनाइए। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे की कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और मैं इसको बता देता हूं। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, आयत की लंबाई लंबाई क्या है? आयत की लंबाई है 5.57 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप क्या जाए 5.7 × 3 गुणा कीजिए, आप क्या कर देंगे 57/10 × 3, 3 से ऊपर गुणा करके और फिर दशमलव लगा देंगे, आप खुद करेंगे। इसके बाद अगला सवाल तो और भी आसान है। केवल 10, 100 या 1000 से गुणा करने हैं। मान लिया कि आपको ऐसे दे रखा है, मैं अपनी तरफ से उदाहरण ले लेता हूं, ये सवाल आप खुद करेंगे, बिल्कुल आसान है। मान लिया 5.7 × 10 है, तो आप क्या करेंगे 57/10, क्योंकि दशमलव हटने के बाद 10 आएगा ना, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 आएगा, गुणा में 10 कट गया, कितना आ गया 57। अगर मान लिया ये होता 5.7 × 100 होता तो क्या होता 57/10 × 100, 10 से 10 कट गई, क्या बच गया 570। तीसरा सवाल और हो सकता है कि मान लिया आपको दे रखा हो 668.75 और गुणा में 10, तो आप देखिए ना 668.75/100 आएगा, गुणा में 10, 10 कट गई तो 1 बच गई, 1 बच गई तो इसका मतलब 1 के बाद 668.75/100 में क्या है 10 है ना, तो 1 गिन के 0 में 10 में 1 0 है, तो इधर से 1 गिन के दशमलव लगा दो। मान लिया कि आपको ये दे रखा है 0.05 और गुणा में 10 है तो क्या आएगा 0.05 का मतलब 5/100 गुणा में 10, 1 कट गया तो क्या आएगा 0.5। अगर दे रखा होता 0.05 × 100 तो क्या आता 5/100 × 100 दोनों कट गए, क्या आता उत्तर 5। अगर आपको दे रखा होता 0.05 × 1000 तो क्या आता 5/100 होता और गुणा में 1000 है, 2 कट गई तो 10 बच गया, 10 × 5 = 50। इस तरह के दूसरे सवाल न सॉरी तीसरा सवाल आपका ऐसा है, आपने खुद करना है। चौथा सवाल आपका होगा, बिल्कुल आसान है चौथा सवाल भी। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, आप क्या लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में
कितनी है देखिए, 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर में तय दूरी, 10 लीटर पेट्रोल में तय दूरी 55.3 गुणा में 10, तो इसको हटाएंगे आप 10 आएगा, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया 553 किलोमीटर। अब अगला है पांचवा सवाल और आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल आसान है, इसमें भी मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ। मान लिया कि आपको कहा जाए कि 5.7 को 0.2 से गुणा करो, तो क्या करेंगे आप? आप क्या करेंगे, 57/10 गुणा में 2 के बटे भी क्या आएगा 10, पहले इसको गुणा करो, ऊपर को ऊपर नीचे को नीचे, अंश को अंश से हर को हर से करो, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 और 1 = 11, और 10 और 10 की 100, कितनी जीरो है 2, तो इधर से 2 गिन के फिर दशमलव लगा दो, 1 × 1 = 4, 1 × 2 = 1.14। ऐसा है ये आपका पांचवा सवाल। मान लिया कि आपको कहा जाए 11.2 गुणा में आप कीजिए 0.03 से, तो क्या हो जाएगा 112/10 गुणा में 3/3 क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 2 है ना इस करके, तो क्या आ जाएगा इसको गुणा करो 336/1000, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 के बाद यानी 0.336, यहाँ दशमलव लगेगा, दशमलव हमेशा आगे लगाना है, जहाँ बटे में हजार है वहाँ मत दशमलव लगा देना, उससे अगले स्टेप में लगाना है। चलो एक सवाल इसमें से भी ले लेते हैं, आखिरी पार्ट लेते हैं इसी का। सौ दशमलव जीरो एक गुणा में 1/1, 1.1, तो ये क्या आएगा 100, और ये बटे में 100 आ गया, ये क्या है 11/10 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे क्या कर दो गुणा कर दो, और 3 के बाद जी दशमलव लगा देना, क्या आ जाएगा 11 से इसको गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देखिए इसके 11 × 1 = 11 आएगा, है ना, और 0 × 0 = 11, ठीक 11 × 1 = 11, ठीक है ना, आप इसको इस तरह से क्या कर देंगे 11 से गुणा कीजिए, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका ये आएगा यूं का तू, फिर 1 से करेंगे फिर वही भी आ जाएगा आपका, तो क्या उत्तर आ गया 11 × 11 = 0 × 0 = 11 = 11, ये उत्तर आ गया ना, बटे में क्या है 100, तो यानी 2 के बाद लग जाएंगे 11 × 0 = 0.1111। मान लिया आपकी गुना ऐसे हो जाती है, पांच दशमलव दो पांच गुणा में 0.00002 से गुणा हो गई, तो क्या करेंगे इसका मतलब है 525/100 गुणा में 2/1 2 3 4 10000, अब 2 से गुणा करो इसको क्या आ जाएगा 0 5 10, और नीचे कितनी आएगी 6 0, तो दशमलव में क्या आएगा 6 संख्याएं छोड़ के फिर लगाना है, 1 2 3 4 संख्याएं तो 4 ही है, तो इसका मतलब 5 और 6 ऐसे 2 0 अपने आप लगाएंगे, ये उत्तर आएगा। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में यही, आप ये एक्सरसाइज पूरी कीजिएगा, पिछला काम अगर आपका रहता है तो वो भी जल्दी से पूरा करें, काम इकट्ठा ना होने दें, घर पे रहें, खूब पढ़ें और मस्त रहें, खुश रहें, बड़ों का सम्मान करें। हैव ए नाइस डे।